नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। विराट कोहली ने कुछ दिन पहले ही क्रिकेट फैंस को सोशल मीडिया पर बताया था कि वो पिता बनने जा रहे हैं। जनवरी में अनुष्का शर्मा मां बन सकती है, यानी नए साल में विराट कोहली के घर में किलकारियां बजने वाली है। इस खबर के बाद लोगों ने कोहली और अनुष्का शर्मा को बधाई देनी शुरू कर दी, पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने माथा पकड़ लिया। वजह ये कि कहीं अनुष्का शर्मा के साथ विराट कोहली समय बिताने के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ना आए। जाहिर तौर पर निजी कारणों से विराट कोहली छुट्टी ले सकते हैं, और अगर कोहली सीरीज खेलने ना जाएंगे तो फिर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को घाटा उठाना पड़ सकता है। यूएई में आईपीएल के बाद टीम इंडिया बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने के लिए तैयार है, जहां 3 मैचों की वनडे सीरीज और 3 मैचों की T20 सीरीज भी खेली जाएगी। भारत का ये दौरा जनवरी के मध्य तक चलेगा। लॉकडाउन के बाद भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा इंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे बड़े टूर्नामेंट के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। T20 वर्ल्ड कप के स्थगित होने के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम भारत की मेजबानी करेगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को इस सीरीज की ब्रॉडकास्टिंग डील के जरिए $220 मिलियन मिलने वाले हैं। RCB की वेबसाइट के मुताबिक एक BCCI के अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया है कि विराट कोहली दौरे के लिए उपलब्ध हैं। कम से कम उन्होंने इसके विपरीत कुछ नहीं कहा है। अब अगर उसे दौरे के बीच में वापस आना है तो उन्होंने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है। बेशक सीरीज से पहले काफ़ी समय है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि टेस्ट सीरीज के बाद विराट कोहली वाइफ अनुष्का शर्मा के पास लौट सकते हैं। वनडे और T20 सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी रोहित शर्मा कर सकते हैं। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।